हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गया है तो उसमें आपको कैसा डाइट प्लान फॉलो करना है और कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आप उसमें ले सकते हैं और वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी पार्ट वन में मैंने बात की थी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने का क्या कारण रहता है और डायबिटीज़ होने की वजह से मदर और बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए, देन कम टू द डाइट प्लान एंड ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता है मैं इस चैनल पर किस बारे में बात करती हूँ, इस चैनल पर मैं मेनली बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी कंडीशन, इररेगुलर पीरियड्स, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी कंडीशन, क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाना, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया था कि जो प्रेगनेंसी है वो एक डायबिटोजेनिक स्टेट रहता है और उसमें डायबिटीज़ डेवलप होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई है तो आपको अपनी डाइट किस तरह से प्लान करनी है, उसके लिए चार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहला, फ्रिक्वेंट मील्स, इट मीन्स कि जो आपके खाने का इंटरवल है वो थोड़े थोड़े टाइम पे आपको खाना है। इट मीन्स आपके तीन मेन मील होने चाहिए और थ्री स्नैक्स टाइम्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आप अपनी डाइट से जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी मात्रा को पूरा कम कर दें। थर्ड चीज, अपनी डाइट में ओमेगा, प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट ऐड करें। एंड लास्ट, एक्सरसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वॉकिंग जरूर करें। तो सबसे पहले हम डिटेल में डाइट की बात करेंगे कि डाइट में आपको कौन कौन सी चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले सब्जी की अगर हम बात करें तो पटेटो, क्योंकि पटेटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो पटेटो आपको, आलू जो है वो अपनी डाइट से बिल्कुल खत्म कर देना है, आपको आलू नहीं लेना है। उसके साथ साथ में जो वाइट राइस है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, तो आपको राइस की क्वांटिटी या तो एकदम कम कर देनी है या फिर अगर बेहतर है कि आप वाइट राइस से ब्राउन राइस पर शिफ्ट हो जाए। थर्ड थिंग, आपको कोई भी जो पैकेट जूस आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि जितने भी पैकेट जूस आते हैं उसमें शुगर एडिड रहता है, फ्लेवर एडिड रहता है, प्रिजर्वेटिव्स एड रहते हैं, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी अच्छे नहीं रहते हैं, बट क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा एडिड रहता है तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके साथ साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक्स कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। कोल्ड ड्रिंक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर एड रहती है, तो इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें। नेक्स्ट, बेकरी आइटम्स, आपको बेकरी आइटम्स कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं, जैसे कि पेस्ट्री है तो उसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर कम्प्लीटली अपनी डाइट से हटा देना है। आइसक्रीम है, उनको अवॉइड करना है आपको। इसी के साथ साथ में जो कैचअप्स आते हैं वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेबल्स में आप कौन कौन से वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो जैसे कि मेथी है, पालक है, करेला है, बीट है, गोभी है, ये सारी जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। पल्सेस, दालों की अगर हम बात करें तो सभी तरह की दाल आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में छोले हैं, राजमा है, तो उनमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है, तो उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उसके साथ साथ में कि आपको गेहूं की रोटी खानी है या फिर किसी और चीज़ की खानी है तो आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। उसके साथ साथ में आप बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो नहीं लेने चाहिए, तो उसमें फर्स्ट है बनाना, केला, उसमें क्योंकि शुगर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आप अवॉइड करें बनाना को, बट अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप एक बनाना दिन में ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड बिल्कुल ना करें। सेकेंड आता है मैंगो, आम को भी आपको नहीं लेना है क्योंकि उससे भी शुगर ज़्यादा बढ़ता है। ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, इन सब फ्रूट्स को आपको या तो बहुत ही कम लेना है या फिर कम्प्लीटली अवॉइड करना है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, तो उसमें सिट्रस फ्रूट जितने आते हैं वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहते हैं। गुआवा आप ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट आप ले सकते हैं, जामुन है, जामुन आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका नाम है निशा आंवला की टैबलेट।
तो निशा आमला की टैबलेट जो है उसमें मेनली दो कंपोनेंट रहते हैं, वन इज निशा एंड सेकंड वन इज आमला की। निशा इट मींस हरिद्रा हल्दी उसमें ऐड रहता है और दूसरा आंवला उसमें रहता है। ये दोनों ही जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इस निशा आमला की टैबलेट को आप दो दो टैबलेट अपने खाने के बाद में आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में आयुर्वेदिक कषाय भी आता है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और उसका नाम है असनादि कषाय। इस कषाय को आप 15 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है, इट मीन सुबह में जब आप उठते हैं खाली पेट तब लेना है और शाम को 5-6 बजे के करीब आपको लेना है। 15 ml आधा कप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ में मिक्स करके आपको लेना है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। उसके साथ साथ में और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपने डाइट फॉलो कर लिया, डाइट से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बेहतर है कि आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद में कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करें। क्योंकि जब आपको डायबिटीज हो रहा होता है, शुगर आपका बढ़ रहा होता है, तो उसमें आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि कितना रेज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसकी डोज डिसाइड की जाती है। एंड लास्ट जो आपको करना है वो है वॉकिंग। हर एक खाने के बाद में वॉक जरूर करें, मॉर्निंग 30 मिनट्स वॉक करें, इवनिंग 30 मिनट्स वॉक करें और हर मील के बाद 10 मिनट वॉक जरूर करें, तो वो भी आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। अगर स्टिल आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।